दोस्तों आए दिन हमारे आसपास कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कुछ हमें चौंका देती हैं, तो कुछ हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। इनमें से कुछ ऐसी हरकतें जो कैमरे में कैद हो चुकी हैं आपके सामने हम लाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर टाइम ही खराब चल रहा हो तो किसी और को दोष क्या देना। मोहतरमा को क्या सूझा अपने अंदर छुपा हुआ टैलेंट दिखाने की, लेकिन बड़ी फिसल पड़े। आज इनका सबसे बेस्ट डे है इन साहब का, जो प्रपोज करने जा रहे हैं अपनी प्रेमिका को। लेकिन ये क्या एल लग गए भाई साहब कि इनकी रिंग जो थी वो पुल से होकर नीचे पानी में गई। और बाप रे, अब तो भाई साहब और इनका जुगाड़ करना पड़ेगा। बहुत मेहनत से भाई साहब ने जुगाड़ किया होगा इस रिंग का, लेकिन लग गए भाई साहब इनके तो। बहुत तेज हो रहा है। तो डॉगी महाशय ने जोश ही जोश में चिल्ला तो लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भाई साहब उन्हें खुद ही उल्टे पांव भागना पड़ा। पट से हेडशॉट भाई साहब को ऐसी पड़ी कि ढूंढते ही रहे कि साली आई कहां से, किस तरह से आई यार, कहां से पड़ी हमको। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इससे कमीने दोस्तों के होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत भाई साहब। इसे कहते हैं असली मजाक, काम वो करें जिसमें दिल लगे और खुद को मजा ना दे। इन जनाब को मूवी देखनी थी और मोबाइल लगाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो देखिए क्या दिमाग लगाया इन जनाब ने। वाकई भाई बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आपने तो। देखा ही होगा बिल्लियों को चूहों के पीछे भागते हुए, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। ये निडर चूहा बिल्ली को देख के भाग ही नहीं रहा था, तो खुद बिल्ली को परेशान होकर उसे भगाना पड़ा कि भाई देख डर मुझसे, भाग, अरे भाई भाग, अरे भाग। लेकिन चूहा था कि टस से मस नहीं हो रहा था। इन जनाब को अपनी शादी की इतनी खुशी थी कि कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया कि दिखाते हैं आपको। लगता है भाई साहब का बहुत ही मुश्किल से जुगाड़ हुआ था, और उन्होंने अपने जुगाड़ को एक बार नहीं दो बार ये उठाया और फिर से गिराया, फिर से उठाया। कंट्रोल देखा जाता है अक्सर शादियों में लोग नए नए पैतरे आजमाया करते हैं, तो इस कपल जोड़े ने भी कुछ नया आजमाने की ट्राई की। कार, बस, घोड़ी, हाथी, इनको छोड़ के ये लोग जेसीबी उठा लाए। बस गनीमत है कि एंड टाइम पर जब पहुंच जाए तो जेसीबी वाला डंपिंग ना कर दे कचरा समझ के। इन दादा ने पानी से बचने का कुछ अनोखा ही तरीका अपनाया, अपनी स्मार्टनेस और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये भाई साहब मस्ती करो मजाक करो, लेकिन सोच समझ के, कहीं ऐसा ना हो जाए। इन दद्दा को अपनी जवानी के दिन याद आ गए, फिर क्या होना था। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साला आजकल तो रोबोट को भी पता चल गया है मेन पार्ट। लगता है ये भाई साहब कुंग फू मूवी देख के आए हैं, तभी तो बोल के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को भी उड़ा ले जाने की सोच ली इन्होंने। इन भाई साहब को सुअर की मस्ती कुछ इस तरह महंगी पड़ी, पीठ खुजवाते रह गई। फिर तो इस ऑफिसर ने ये उम्मीद तो कतई नहीं की होगी। जय हो महिला शक्ति। ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि हमारे बड़े क्यों कहते हैं कि भाई दूसरों के रास्ते पे मत चलो। फेलियर मूवी देखा और जनाब निकल गए चोरी करने को। जनाब ने चोरी तो कर ली, लेकिन चुराया वो माल ले नहीं जा पाए बेचारे,
और ऐसे ही खाली हाथ फोकट का पेट्रोल जला के निकल गए। भाई साहब मूवी को जरा अच्छे से देखते, रिपीट करके देखते। लगता है इन्हें किसी ने बताया नहीं कि मोहतरमा इन जूतों में ब्रेक्स नहीं आती। लगता है ये पावर ऑफ व्हेल नहीं जानती, तभी तो इतनी करीब चली गई व्हेल के और फिर ऐसा कुछ हुआ। स्मार्टफोन यूज़ करती हुई स्मार्ट बच्ची, आजकल फ़ोन के साथ साथ बच्चे भी स्मार्ट होने लगे हैं। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर दें, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया प्लीज़ जरूर लिख के दें। अगर आपको पसंद आया हो तो हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉच। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could